आज ये इसका आप देखें डिजिटल मीटर के ऊपर एक मीटर लाइन नजर आती है, ठीक है, जिसमें आप ऑप्शन भी यहाँ पे ऊपर नीचे देखे कर सकते हैं, ये देखें ठीक है। और ये 7311 किलोमीटर ये चली हुई है और जापान से ये फ्रेश इम्पोर्ट है, ठीक हो गया। इसकी मजे की बात करें वो देखें कैमरे देखें 360 में कैमरे लगे हुए, ये फ्रेश इम्पोर्ट गाड़ी है, इसके फुल ग्रेड की मतलब फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है, ठीक है। इसमें रिम भी लगे हुए हैं, इसमें एचआईडी लाइटें भी लगी हुई है, इसमें क्रोम का इसमें काम भी किया, इसमें बेसिकली काफी ग्रेड आए, ठीक है। ये सबसे ऊपर का ग्रेड है, ये सबसे ऊपर का लेटेस्ट का मॉडल। मजे की बात ये सबसे बड़ी बात, छोटी गाड़ियों में 660 सीसी में हाइब्रिड दी हमने, हाइब्रिड दी है, हाइब्रिड गाड़ी भी है, बड़ी गाड़ी और इसमें 360 कैमरे लगे हुए, यहाँ भी आपको कैमरा मिल जाता है, यहाँ भी आपको कैमरा मिल जाता है, इसमें सेंसर आपको काफी मिल जाते हैं, इसमें भी आपको कैमरा मिल जाता है, ठीक हो गया। इसके रिम की रिम दिखाएं आप, इसके ओरिजिनल ये रिम लगे हुए, ये देखें आप, अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आप कह रहे होंगे कि गाड़ी से उतरे, आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त गाड़ी लेकर आई हूँ जो अभी तक मेरे ख्याल में कराची में पाकिस्तान में किसी शोरूम में आपको नजर नहीं आएगी। ऑल्टो गाड़ी के शौकीन लोग, अब आगे हाइब्रिड ऑल्टो 2023 का मॉडल है ये, बाकी डिटेल जिनकी ये गाड़ी है जिन्होंने ये इम्पोर्ट कराई है, जैपनीज गाड़ी है, तो वो लोग जो ऑल्टो पसंद करते हैं उनके काम की ये वीडियो रहने वाली है। बहुत कम प्राइस है, इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत जबरदस्त है, पेट्रोल माइलेज भी बहुत जबरदस्त है, सुन के आप लोग हैरान होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इनके जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं, क्या डिमांड है इसकी और ये किस खुश नसीब को मिलने वाली है, ये फिर वो उनकी किस्मत है आज है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम हयान भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गाड़ी है और इनका कलर कॉम्बिनेशन देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि छत इसकी व्हाइट है बाकी ब्लैक है, अंदर से फुल लग्जरी है और जापान से इम्पोर्ट कराई आपने, इम्पोर्ट मैंने खुद कराई, सही। अब इसके बारे में बताइए, आप हमारे व्यूअर्स को सुनने के लिए बेताब होंगे कि इसमें क्या क्या खासियत है। जी ये 2023 का ये मॉडल है, ठीक है, 24 की रजिस्ट्रेशन होगी, जो भी अपने लेगा ठीक है वो फर्स्ट ओनर होगा। अच्छा, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं, नहीं ये फर्स्ट ओनर ही होगा। और ये मैंने खुद अपने लिए पर्सनली शॉप के लिए मंगवाई थी इसको सेल आउट करने के लिए, क्योंकि बेसिकली वहां मेरे बहन ही होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और ये फ्रेश इम्पोर्ट गाड़ी है, इसके फुल ग्रेड की मतलब फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है, ठीक है। इसमें रिम भी लगे हुए हैं, इसमें एचआईडी लाइटें भी लगी हुई है, इसमें क्रोम का इसमें काम भी किया, इसमें बेसिकली काफी ग्रेड आए, ठीक है, ये सबसे ऊपर का ग्रेड है, ये सबसे सबसे ऊपर का लेटेस्ट का मॉडल। मजे की बात ये सबसे बड़ी बात, छोटी गाड़ियों में 660 सीसी में हाइब्रिड दी हमने, हाइब्रिड दी है, हाइब्रिड गाड़ी भी है, बड़ी गाड़ी और इसमें 360 कैमरे लगे हुए, यहाँ भी आपको कैमरा मिल जाता है, यहाँ भी आपको कैमरा मिल जाता है, इसमें सेंसर आपको काफी मिल जाते हैं, इसमें भी आपको कैमरा मिल जाता है, ठीक हो गया। इसके रिम की रिम दिखाएं आप, इसके ओरिजिनल ये रिम लगे हुए, ये देखें आप, अरे वाह जबरदस्त हो गया। इसके ये पावर पावर ग्लासेस हैं, ठीक है। और इसकी अंदर की बात करें तो अंदर का इसका लुक आपको लगेगा नहीं कि आप अल्टो में बैठे, अल्टो में बैठे जी, ये आपको लगेगा स्पोर्ट्स में बैठे हुए, मतलब इक्वा में बैठे हुए, ठीक है ना। इसकी आप क्रोम, हम इसमें क्रोम का काम किया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी दी है छोटी गाड़ियों में ये। इसमें मजे की बात ये, इसका आप देखें डिजिटल मीटर के ऊपर एक मीटर लाइन नजर आती है, ठीक है, जिसमें आप ऑप्शन भी यहाँ पे ऊपर नीचे देखे कर सकते हैं, ये देखें आप, ठीक हो गया। इसमें आपका मीटर चलता है और ये 7311 किलोमीटर ये चली हुई है और जापान से ये फ्रेश इम्पोर्ट है, ठीक हो गया। इसकी मजे की बात करें वो देखें कैमरे देखें 360 में कैमरे लगे हुए, ठीक है। इसमें आपको ये क्या नाम है, इसमें आपको चार्जिंग एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ये देखें ये भी चार्जिंग है, जापानी इम्पोर्ट में ये लगे हुए हैं, इधर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, साइड में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप एयरबैग और एयरबैग में दिए हुए 6 एयरबैग दिए हुए, वरना बड़ी गाड़ियों में एयरबैग नहीं आ रहे, पाकिस्तानी जापानी आपको पता सेफ्टी पहले देते हैं बाद में गाड़ी देते हैं वो लोग, ठीक। इसकी बात करें अगर हम पीछे की सीटों की बात करें तो पीछे की सीट आप चेक करें, इसका स्पेस देखें, ये देखें आप, ये देखें ये बहुत बड़ी गाड़ी है, लगती है जैसे अल्टो है, नाम इसका अल्टो है, नाम इसके बड़े बड़े, ये देखें मेरे पास के बाद भी आप देखें कितने इसका स्पेस है, ठीक है। और ड्राइवर साइड में काफी स्पेस मिल जाता है आपको, बिल्कुल बिल्कुल, आप अंदर भी माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी दी है, सही। बैक से भी देख लेते हैं, बैक से लुक देखें इसका, जबरदस्त बैक का लुक दिया है, देखें आप, ये देखें आप, अरे वाह जबरदस्त, ये देखें आप, इसको आपको यहाँ पे सारा आपको ये अपना सारा ये सामान मिल जाएगा आपको, सारा पैक, ये आप लोग देख सकते हैं पूरी पैक है अभी तक गाड़ी, ये यूज तक नहीं हुई हुई सारी चीजें, हर चीज यूज तक नहीं हुई है जी जी। और नंबर प्लेट मैंने खुद ही लगवाई है फ्लाइट के 2024 के, उस पे बाकी नाम जो भी लेगा अभी कराएगा जी जी, फ्लाइट नाम जो लेगा वो खुद कराएगा। हाइब्रिड का आपको यहाँ भी लोगो मिल जाता है भाई, छोटी गाड़ियों में हाइब्रिड मिलना बहुत मुश्किल है, ऑल्टो में अगर हाइब्रिड आप लोगों को मिल रहा है, ऑल्टो के शौकीन उनकी मौजे लगने वाली है। अगर
ज्यादा डिमांड होगी तो मेरे ख्याल में और आएंगी गाड़ियां, इम्पोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसकी डिमांड कितनी कर रहे हैं? इसकी मार्केट वैल्यू जो है शोरूम पे, ये शोरूम पे अगर गाड़ी खड़ी हो तो 45 लाख, 42 लाख, 43 लाख की है, ठीक है, लेकिन ये मैं आपको दूंगा 39 लाख की। 39 लाख जी बिल्कुल, 39 लाख में फाइनल कर देंगे ये वाकई गाड़ी, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तानी जो आल्टो है वो 32 वो मिल रही है 30 तक की नॉर्मल गाड़ी इसमें ना, तो ये हाईब्रिड है। मजे की बात ये है कि ये पूरी स्टार्ट है। अरे वाह, स्टार्ट नहीं पूरी स्टार्ट है। आप देख सकते हैं जापानी आल्टो और हमारी जो पाकिस्तान आल्टो है उसको आप यूं करें तो वो अंदर हो जाती है, लेकिन आप उसको यूं ठोके तो आवाज क्या, मतलब माशाल्लाह ठोस गाड़ी है, मतलब अलग मतलब इसमें अलग ये कड़कपन नजर आता है, ऑटोमेटिक फीलिंग नजर आती है इसके अंदर, सबसे खास बात इसकी ये है। अरे वाह जबरदस्त है। तो प्राइस की आप बात कर रहे थे, किसी शोरूम में खड़ी होगी तो ये 45 लाख से कम की नहीं है गाड़ी, और ये बहुत कम गाड़ी है जापान से, और वो भी इस कलर के अंदर और फुल ग्रेड की गाड़ी, मतलब फुल ऑप्शन वाली हाइब्रिड वो नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा हैयान भाई, हो सकता है कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद वगैरह से लोग कनेक्ट हो जाए, उन्हें पसंद आ जाए गाड़ी, क्योंकि बहुत शौकीन बहुत अच्छी शौकीन इस्लामाबाद के काफी बहुत, तो उनके लिए ऑफर है ये? बिल्कुल सबके लिए ऑफर है पाकिस्तान में, किसी को भी पसंद आ जाए भाई आप लोगों के लिए भी ऑफर है, आए गाड़ी पसंद करें और आप लोग चला के लेके जा सकते हैं, जबरदस्त लग्जरी में अंदर से भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम ये बोनेट वगैरह खोल के इसको दिखा देते हैं। ये देखें इसकी सफाई मैंने नहीं कराई, जापान से डायरेक्ट जब से आई है वैसे ही है जी, ठीक है। थोड़ी सी क्लीनिंग, बिल्कुल आवाज ही नहीं है इस गाड़ी में, तो ये फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है, पाकिस्तानी नहीं है ये, जबरदस्त है भाई, कमाल हो गया। ये गाड़ी जिसको भी पसंद आएगी, पसंद तो आ जाएगी, बस लेने वाले बनेंगे, ले जिसको पसंद है ऑल्टो गाड़ी वो लोग आए और लेकर चले गए, होगी भी तो उसकी प्राइसेस बहुत हाई, बहुत ऊपर होगी, बहुत ऊपर होगी। तो ये पहली गाड़ी मेरे ख्याल में मैंने अभी पहली ही देखी है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, नहीं है ना, नहीं बहुत कम, पहली गाड़ी आ रही है जो कराची के अंदर तो पहली ही होगी, तो इसकी प्राइस है 39 लाख रुपीज, और देखते हैं किस कुछ नसीब की किस्मत में जाएगी, जो पहले कॉन्टेक्ट करेगा अगर उन्हें पसंद आती है तो फिर वो खुश नसीब आप ही होंगे। आप कॉन्टेक्ट नंबर बताइए अपना, 03102195623 याना बासी मेरा नाम है, आप व्हाट्सएप पे लोकेशन मैं आपको भेज दूंगा, लोकेशन जो है हमारी शरीफाबाद लोकेशन है, ठीक है। आप कॉल करके आ जाना, आपको गाड़ी विजिट करा दूंगा, सारी चीज आपको दिखा दूंगा, तसल्ली से कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैकेनिक को आप साथ लेके आए, इसकी ऑप्शन शीट है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। चले भी बहुत जबरदस्त गाड़ी थी, मुझे लगता था कि मेरे व्यूअर्स जो गाड़ियों के शौकीन है, ऑल्टो की बहुत ज्यादा डिमांड आती है मुझे पर्सनल में भी, तो वैसे शोरूम की वीडियो बनाती रहती हूँ, इस तरह मेरा एक्सपीरियंस बहुत, बल्कि पहला एक्सपीरियंस है, बहुत जबरदस्त है गाड़ी, बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत पसंद आई, मैंने भी इसकी ड्राइव ली है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, स्क्रीन में चलता हुआ नंबर नजर आ रहा होगा, व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनसे, लोकेशन 3 लोकेशन मंगवा सकते हैं इनसे, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आकर इनसे बात कर सकते हैं, गाड़ी का रिव्यू आप लोग खुद कर सकते हैं, जो चीजें आपको सामने दिखा दी है, और उम्मीद है कि ये गाड़ी आप लोगों को पसंद आई होगी और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है कोई और लेने वाला हो और उसका फायदा हो जाए, तो इंशाल्लाह आते हैं दोबारा ऐसी ही किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।